विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर लगाया दिखावा करने का आरोप। बाड़ी की प्रमुख खबर। पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित कर चंबल में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने सांसद को झूठा, ढोंगी और फर्जी बताया है। विधायक का आरोप है कि कोरोना हो या बाढ़ जैसी कोई मुसीबत जब आती है और उसका समाधान हो जाता है, तब सांसद क्षेत्र का दौरा करते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर दिखावा करते हुए फोटो खिंचवाकर वह वही लूटने का प्रयास करते हैं। उनका वास्तविक समस्याओं के समाधान को लेकर कोई ध्यान नहीं है। चंबल की बाढ़ को उतरे हुए एक सप्ताह हो गया। प्रभावित क्षेत्र के किसानों और नागरिकों की गिरदावरी भी कराई जा चुकी है। रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है। इसके बाद सांसद शुक्रवार से क्षेत्र के दौरे पर हैं और गांव-गांव जाकर फोटो खिंचवाने और लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सांसद के साथ बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। उन पर भी आरोप लगाया है कि वह मुसीबत के समय जनता तक नहीं पहुंचते। विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे सांसद से पूछा है कि करौली से धौलपुर तक नेशनल हाईवे 11 भी जर्जर अवस्था में है, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सांसद का कोई ध्यान नहीं है, जबकि सांसद उसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। वो नंबर वन के फर्जी काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर कोई फर्जी पर है, अगर ढोंग करना सीखे तो भाजपा के लोगों से सीखे। अब उनके भाजपा के पूरे विधायक संघ घूम रहे हैं, सांसद जी भी घूम रहे हैं। इनको जब पूछोगे, जब महामारी फैली थी कोरोना में, वो एक दिन भी अगर हॉस्पिटल आ गया, जब सारे मरीजों की छुट्टी हो गई, एक भी मरीज धौलपुर के जिले के अंदर नहीं बचे और सब लोग अपने घर के लिए चले गए, कोरोना समाप्ति की ओर आ गया। जब जाकर हमारे सांसद महोदय आए और अब चंबल की बाढ़ उतरे, मैं जानता हूँ आज 6-7 दिन हो गए। अब आएगा ना वो जाएगा ना फर्जीपना ढोंग दिखा रहे हैं। क्या ढोंग दिखा रहे हैं? जब बाढ़ आ रही थी, जब लोगों को मुसीबत थी, कहीं भी एक दिन पानी में जाकर उन्होंने देखा, किसी भी घर पर जाकर ना वो मिले, किसी को कोई खाने की पीने की कोई तकलीफ हो, कोई किसी के लिए भोजन की व्यवस्था थी या नहीं थी, कभी देखा? या इनके नेता ना के नहीं, कहीं भी जाके नहीं देखा? जो पूरे विधायक घूम रहे हैं, ये तो सिर्फ ढोंग के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। फर्जी लोग हैं, फर्जी बनाई जानते हैं, पीछे से आए गए, फोटो खिंचवाई रहे। अब ये आगे ना कह रहे हैं, आज गिरदावरी तो आज गई, आज 2 तारीख हो गई, सबकी सर्वे कराए दी, एक एक जगह की सर्वे करा दी, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमने सब ने मिलकर आई मीटिंग ले ली, यहाँ पर कलेक्टर साहब ने, अब वो सब सर्वे हो गई। 2 तारीख को राज्य सरकार के यहाँ पहुँच गए, 31 तारीख तक पूरी सर्वे हो गई 2 तारीख में। और बाकी अलावा क्या कर रहे हैं? फर्जीपना दिखा रहे हैं कि ये गिरदावरी होगी, ये होगी, ये होगी, किस बात की कर रहे हैं आप फर्जीपना? ये ढोंग क्यों करते हैं सिर्फ? और फिर मेरे से आप पूछे ना, थोड़ा आप एक बार इनसे भी पूछें कि आप ये ढोंग के काम क्यों करते हैं? जब कोरोना खत्म हो गया जब आप आए, जब बाढ़ समाप्त हो गई चंबल जब आए का नहीं आ पाए, तो किस बात का ढोंग करते हैं? ये समय पर आज तक कभी आए नहीं, इतने ही करने वाले हैं। अब आए कर मेरे को भी वीडियो सुनी कि बहुत बड़े वो विकास पुरुष है ना, कि मैंने ग्वालियर से लेकर ना यहाँ तक करा दी। अरे तुमने कहाँ करा दी? तुम तो करौली धौलपुर वाली रोड तो बन नहीं पा रही है, आए दिन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी टूटी फूटी पड़ी है, कब वो इस रोड पर कभी निकले नहीं है, उनको मालूम नहीं कि कितने एक्सीडेंट हो गए हैं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, फर्जी पने के अलावा कोई उनके पास काम नहीं है। ये बीजेपी के लोग हैं ना, सिर्फ अगर झूठ बुलवा लो, सब लोग ऊपर से नीचे तक एक ही फंड है उनका झूठ बोलने का, सभी झूठ में मारे। इनको ट्रेनिंग झूठ की दी जाती है। विकास के नाम पर MP साहब आएगा ना बतावे कोरोना बाड़ी के अंदर, मालूम नहीं कि कितने एक्सीडेंट हो गए हैं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, फर्जी पने के अलावा कोई उनके पास काम नहीं है। ये बीजेपी के लोग हैं ना, सिर्फ अगर झूठ बोलवा लो, सब लोग ऊपर से नीचे तक एक ही फंड है उनका झूठ बोलने का, सभी झूठ में मारे। इनको ट्रेनिंग झूठ की दी जाती है। विकास के नाम पर MP साहब आए के ना बतावे कोरोना बाड़ी के अंदर कहीं एक ईंट लगाई हुई, या इनके पूरे विधायक घूम रहे हैं, वो आएगा नहीं बतावे का मन है? इतने दिन में 25 साल उनको राजनीति हो गई यहाँ पर, बीजेपी की 2 बार सरकार भी रह ली, एक बार वो MLA भी रह ली है, उन्होंने ऐसी कौन सी योजना बाड़ी के लिए लाए हैं या विधानसभा क्षेत्र के लिए कहीं भी लाए हैं
तो वो आएगा ना मीडिया के सामने, मैं बतावे मीडिया के माध्यम से, और चीजें तो वो मीडिया के माध्यम से भिजवा रहे हैं। जैसे वो विकास को भी मीडिया के माध्यम से भेजा हुआ कि भाई हम लोगों ने जो विकास करा जाए और हमने कराया वो सबको बताओ और सबको दिख रहा है। कैसे सांसदों में इनका नाम है जो अभी तक अपनी जो पूरी राशि जो सांसद निधि को भी खत्म नहीं कर पाए हैं? ये तो सांसद निधि को भाग करेंगे ता अच्छा मार्जिन होगा जो वहाँ लगाते हैं। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके नहीं चले जाएगा सांसद ने अगर एक भी कोई काम कराया हो, वो तो सिर्फ वो लाएंगे कि बस स्टैंड में कितनी जुगाड़ है, ऐसे कामों के लिए नहीं आएंगे। पानी के टैंकर में कितनी जुगाड़ है वो आपके औंधे पड़े हैं, ठीक है, नहीं सब खत्म है, वो काम लेकर नहीं आएंगे। अब तीसरी कोई नई है कि लाइट की स्कीम ले आए कि लाइट में कितना वो काम है वो लेकर नहीं आएंगे। सिर्फ ढोंग करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इतने फर्जी पने में मारे हैं कि सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं। बरसों पुरानी अपनी रेल की मांग है, इसके लिए आए दिन कुछ ना कुछ अखबारों में उनमें देते रहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो वो ऐसे ही करते रहेंगे। जब अच्छी वाली जो हमारे सांसद थे खिलाई राज जी बैरवा जी, उन्होंने उसको कराया, शिलान्यास भी करा, काम भी चालू हो गया, वो कौन के राज्य में रोका? बीजेपी के लोगों ने तो रोका, कौन सी सरकार ने आके नहीं रोका? आपको मालूम है कि पूरी भूमि अब आपती हो रही, सब कुछ हो रहा, उन्होंने तो नहीं होने दी। सरकार कांग्रेस की चेंज हो गई, जैसे उनकी बीजेपी सरकार आई, उन लोगों ने तो इसको रोका है। विकास होने कहाँ देते जी, विकास के नाम पर ये रोक और लगाते हैं। विकास करने की बात तो बहुत है, ये तो विकास को रोक और लगाते हैं। अभी रिंग रोड की बात आएगी तो जहाँ पर भी देखो, अभी आप इधर उधर से कहीं ना कहीं इनके लोग भी जाके नहीं कि कोर्ट में जा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष वो भी कोर्ट में गए हैं, कोई जाके नहीं, कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोई कहीं लगा रहे हैं, तो विकास को होने से भी देती है। इनका तो सिर्फ बीजेपी के लोगों का काम है, वो विकास रोकने का काम है।